हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी जैकोबियन की। अपन ने कार्तीय निर्देश तंत्र में, गौलीय निर्देश तंत्र में और बेली निर्देश तंत्र में लाप्लासियन संकारक निकाल लिया था। आज अपन बात करेंगे जैकोबियन की। जैकोबियन आपने मैथ में भी पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज फिर अपन उसकी बात करते हैं, जैकोबियन क्या है। जैकोबियन देखो, जैकोबियन क्या है, गणितीय संकारक है जिसकी सहायता से भौतिकी की अनेक जटिल समस्याओं को हल किया जाता है। दो स्वतंत्र चरों uv के लिए xy का जैकोबियन निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। देखो कैसे लिखते हैं, जैकोबियन xy, या इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, या जैकोबियन x y और ये u। तो दो स्वतंत्र चरों u और v के लिए x y का जैकोबियन निम्न प्रकार प्रदर्शित करता है। कैसे, देखो पहले मैं क्या करता हूं, इस x का u v के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं, फिर y का u v के सापेक्ष अवकलन करूंगा। तो क्या होगा, डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, फिर डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। इस x का uv के सापेक्ष कर लेंगे। अब y का क्या करेंगे, uv के सापेक्ष, मतलब डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, फिर डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। ठीक है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको अपन। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस x y का पहले u के सापेक्ष कर लेता हूं, एक्स वाई का वी के सापेक्ष कर लेते, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट क्या, वी, फिर डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी। मैंने क्या किया, एक्स वाई का यू के सापेक्ष कर लिया। अब मैं एक्स वाई का किसके सापेक्ष करूंगा, वी का, तो डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू और डेल वाई अपॉन डेल एट कांस्टेंट। ठीक है, बट अपन को क्या करना है, इस तरह से लिखना है। मैं सारे न्यूमेरिकल जो भी यार इसकी प्रॉपर्टीज है, गुण है, वो सब इस तरह से कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है जैकोबियन क्या है, एक गणितीय संकारक है जिसकी सहायता से भौतिकी की अनेक जटिल समस्याओं को हल किया जा सकता है। दो स्वतंत्र चरों uv के लिए xy का जैकोबियन निम्न होता है, जैकोबियन jxy बराबर jxy uv। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे पहले u का, तो del x upon del u at constant v, फिर del x upon del u at constant u, फिर del y upon del u at constant v और del y upon del u at constant u। इसी से मैं आपको कैलकुलेट कराऊंगा। अब इसके अपन गुणधर्म पढ़ते हैं जैकोबियन के। तो पहला गुणधर्म है आपके पास, देखो मैं गुणधर्म लिख रहा हूं इसके, देखो पहला गुण क्या है, जे यू यू बराबर कितना जीरो, ये पहली आपकी प्रॉपर्टी है इसकी। अब तो जे यू कितना सिद्ध करना है, जीरो सिद्ध करना। मैं इसका एलएचएस लेकर चलता हूं, जे यू यू बराबर, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, जे यू यू अपॉन यू वी। ठीक है, क्योंकि दो सौ चार बिंदु के लिए अपन एक्स वाई का जैकोबियन की बात करते हैं, तो एक्स वाई की जगह अपने पास यहां पर यू यू है। कैसे लिखेंगे इसको, इस यू का यू वी के सापेक्ष करेंगे पहले, डेल यू अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, फिर डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू। ठीक है, इस यू का मैंने क्या करा, यूवी के सापेक्ष कर लिया। अब इस यू का मैं इस यूवी के सापेक्ष करूंगा, तो डेल यू अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी और डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू। ठीक है, तो यहां से देखो डेल यू अपॉन डेल यू इसका तो कितना हो गया, वन। डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, यू क्या है कॉन्स्टेंट, तो फिर इसका कितना होगा, जीरो। इसका वन और इसका कितना हो आपके पास, जीरो, क्योंकि यू के सापेक्ष कर रहे हो और यू आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है,
तो कितना आया, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। क्या है आपके पास RHS? तो अपने पास जो जैकोबियन U है वो कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब मैं दूसरे प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं जो कितनी है, JUV = 1। इसको मिटा दूंगा, फिर दूसरा गुणधर्म अपन प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो दूसरा गुणधर्म अपने पास JUV = 1। तो वही काम करता हूं मैं, सबसे पहले क्या करता हूं, LHS ले लेता हूं। LHS क्या है अपने पास, JUV = JUV/UV। पहले सबसे पहले क्या करूंगा, इस U का क्या करूंगा मैं, इस UV के सापेक्ष अवकलन करूंगा, फिर V का इस UV के सापेक्ष अवकलन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले U का करते हैं, तो del U एट कॉन्स्टेंट V। ठीक है, मैंने क्या किया, इस U का U के सापेक्ष कर दिया, फिर del U/del V एट कॉन्स्टेंट del U/del V एट कॉन्स्टेंट, अब V का करेंगे del V/del U एट कॉन्स्टेंट V, और ये del V/del U एट कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, क्या होगा यहां से, देखो इसका कितना हो गया 1, इसका कितना हो गया आपके पास, U कांस्टेंट है 0, इसका कितना होगा आपके पास, देखो V कांस्टेंट है 0, इसका कितना होगा 1, तो फिर 1 - 0 बराबर कितना गया 1, तो ये क्या आ गया अपने पास RHS। ठीक है, देख लीजिए आप, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को, दो प्रॉपर्टी हो गई आपके पास। इसके बाद मैं तीसरी प्रॉपर्टी लिखता हूँ बच्चों, तीसरा गुणधर्म है JXX = 0। वही इसको प्रूफ करने के लिए क्या करता हूं मैं, इसका LHS ले लेता हूं, तो JXX = JXX और ये UV = क्या होगा, इस X का पहले UV के सापेक्ष करूंगा, तो इस वाले X का UV के सापेक्ष, पहले वाले इस X का मैं UV के सापेक्ष कर रहा हूं, क्या होगा del X/del U एट कॉन्स्टेंट V, फिर del X/del V एट कॉन्स्टेंट U। ठीक है, फिर del X/del U एट कॉन्स्टेंट V, फिर del X/del V एट कॉन्स्टेंट U। ओके, तो यहां से अपने पास देखो इनटू कर दें तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं अपन, del X/del U एट कॉन्स्टेंट V, del X/del V एट कॉन्स्टेंट U, माइनस del X/del V एट कॉन्स्टेंट U और del X/del U एट कॉन्स्टेंट V। तो देखो ये del X/del V एट कॉन्स्टेंट U ये रहा, del X/del U एट कॉन्स्टेंट V ये रहा, कितना आ गया आपके पास 0। ये क्या आ गया आपके पास RHS। तो अपन ने LHS लेकर चल रहे थे और अपने पास क्या आ रहा था RHS। इस तरह से ये तीसरी प्रॉपर्टी भी अपने पास क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, देखो चौथी प्रॉपर्टी है अपने पास जैकोबियन है के X = 0, जहां K क्या है आपके पास कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, LHS लेकर चल रहा हूं, J के X बराबर
जे के एक्स और ये यूवी, डेल के इसके का यूवी के सापेक्ष फलन, डेल के अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट बी, डेल के अपॉन डेल वी देखो एट कॉन्स्टेंट कितना यू, सॉरी यू। फिर इस एक्स का करूंगा मैं तो डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट, फिर डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट। तो ध्यान देना ये तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, इसका कितना होगा जीरो, इसका भी कितना जीरो, और ये डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट भी, और ये डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, तो इसको गुणा करेंगे तो जीरो माइनस जीरो कितना आ गया जीरो, ये क्या आ गया अपने पास आरएचएस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं जेकोबियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी प्रॉपर्टी अपने पास, अभी ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टियां खत्म हो गई, अभी चल रही है। बहुत आसान है, हम लोगों ने पढ़ भी रखे हैं ये पहले, मना नहीं कर सकते, और आप लोग भूलते तो हो ही नहीं एक बार पढ़ने के बाद, है ना? याद है ना फर्स्ट ईयर में पढ़ी है ना जेकोबियन मैथ्स में, हाँ या ना? पढ़ी होगी, हमें नहीं पता। हमने कौन सा एग्जाम दिया है फर्स्ट ईयर का? ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, पांचवे नंबर की देखो प्रॉपर्टी है क्या अपने पास, इसको मिटा दूंगा मैं। देखो पांचवे नंबर की प्रॉपर्टी है अपने पास, जेकोबियन एक्स वाई ये बराबर है अपने पास माइनस जेकोबियन वाई एक्स के, और ये बराबर है अपने जेकोबियन माइनस वाई एक्स के, और ये भी बराबर है अपने जेकोबियन वाई माइनस एक्स के। ये चारों चीजें अपने पास बराबर है, मैं रिपीट कर देता हूं, जेकोबियन एक्स वाई, फिर माइनस साइन आगे है जेकोबियन वाई एक्स, फिर जेकोबियन माइनस वाई अंदर है और एक्स, फिर जेकोबियन वाई और फिर माइनस एक्स, ये अपन को प्रूफ करना है, ये सारी चीजें बराबर है। तो अपन एक-एक चीज लेकर चलते हैं और प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इस एक नंबर ले लेता हूं जेकोबियन एक्स वाई की। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं एक्स वाई, जेकोबियन एक्स वाई अपॉन यूवी बराबर, इसको करते हैं एक्स का यूवी के सापेक्ष करेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल एट कॉन्स्टेंट वी, फिर डेल एक्स अपॉन डेल एट कॉन्स्टेंट क्या यू, देखो वी के सापेक्ष क्या यू, फिर डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, फिर डेल वाई अपॉन डेल वी और एट कॉन्स्टेंट क्या यू। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो इसको इससे इंटू करें, इसको इससे इंटू करें तो डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट यू माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू और डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, इसको अपन समीकरण एक नाम दे देते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके पास जेकोबियन एक्स वाई आ गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दूसरे नंबर वाले की, वो क्या है माइनस जेकोबियन वाई एक्स है। ठीक है, तो ये माइनस जेकोबियन वाई एक्स और ये यूवी बराबर, इस माइनस साइन का मतलब है ये जेकोबियन क्या है बाहर है, ये माइनस साइन क्या है बाहर है, सो तो ये देखो ये बाहर लिख दिया मैंने, वाई का करेंगे
तो डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, फिर डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट यू, फिर एक्स का करेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, फिर डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट यू। इसको सॉल्व करें अपन तो क्या आएगा, माइनस जैकोबियन वाई एक्स बराबर, ये माइनस साइन आपके पास बाहर है से इनटू कर देते हैं अपन, तो क्या आएगा डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, माइनस डेल वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी। माइनस साइन है, माइनस से पूरी समीकरण को अपन इंटू कर देते हैं, तो अपने पास क्या आएगा माइनस जेकोबियन वाई एक्स बराबर, पहले उसको लिख दूं मैं, ये डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, माइनस डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, और ये डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू। इसको मैं समीकरण दो कह देता हूँ, ठीक है, चेक कर लेते हैं पहले भी ये बराबर आए नहीं है अपने पास, डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, अब तक दोनों तो बराबर है, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। तीसरे के अपन बात करते हैं जैकोबियन माइनस वाई एक्स बराबर, ठीक है, चेक करें इसको क्या होगा, देखो ध्यान देना यहां पर जैकोबियन माइनस वाई एक्स अपॉन यू, ये अंदर की तरफ है, किधर है, अंदर की तरफ है, तो फिर कैसे लिखेंगे इसको, देखो पहले इस माइनस वाई का यू के सापेक्ष करेंगे, माइनस डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, फिर माइनस डेल वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, फिर डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, और डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू। इस तरह से अपन को कैलकुलेट करना होगा ये, ठीक, ये जैकोबियन माइनस वाई एक्स बराबर क्या हुआ, देखो यहां से इसको इंटू करता हूं मैं, माइनस डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, फिर डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर, फिर क्या आएगा अपने पास डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू। पहले प्लस वालों को लिख दें अपन, तो जैकोबियन माइनस वाई एक्स बराबर क्या, डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, माइनस डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, और ये डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू। इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण तीन, अब चेक कर लें इसको, डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, माइनस डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, सही है, ठीक है। अब लास्ट जो बचा हुआ है उसकी अपन बात कर लेते हैं, ठीक, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और तीसरे वाले की अपन बात कर लेते हैं, चौथे की सॉरी, तीन तक मैं बात कर चुका, अब चौथे की अपन बात करते हैं, तो क्या है जैकोबियन y माइनस x बराबर, देखो यहां से क्या होगा अपने पास, ये इसको कैसे लिखेंगे, जैकोबियन y माइनस x और ये uv बराबर, पहले y का क्या करेंगे, uv के सापेक्ष करेंगे,
क्या होगा, डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, फिर डेल वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, इसका करेंगे माइनस डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, फिर माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब यहां पर देखेंगे अपन कि इसको इंटू करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये माइनस डेल एक्स अपॉन इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, तो इसको इससे कर रहे अपन डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट बी, और ये डेल एक्स अपॉन डेल बी एट कॉन्स्टेंट बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसमें, और ये क्या आएगा अपने पास डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट बी और डेल वाई अपॉन डेल बी एट कॉन्स्टेंट यू. ठीक है बच्चों, प्लस वाले को मैं पहले लिख देता हूं, तो डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट बी डेल वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट u माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट u, और ये डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट. अरे है तो इन दोनों ही, क्या फर्क पड़ गया लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो ये क्या है अपने पास जेकोबियन y माइनस x. अब अपन इसको मैच करते हैं कि अपन ने जो पहले निकाला है इसके बराबर है या नहीं है, तो अपन देखते हैं यहाँ पर समीकरण दो से या तीन से किसी भी मैच कर लो, डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट बी और डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट यू माइनस डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट यू और डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट बी बराबर है. ठीक है, तो इसको अपन क्या कह देते हैं बच्चों, समीकरण चार कह देते हैं. ठीक, अब अपन देख, अपन ने क्या देखा कि चारों जो समीकरण है वो क्या है, बराबर है, अपन देख चुके हैं. तो फिर अपन क्या लिखते हैं यहां पर देखें, उसको मिटा दूंगा. क्या लिखेंगे अपन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, क्या है कि जैकोबियन एक्स वाई बराबर है किसके, माइनस जैकोबियन वाई एक्स के, और ये किसके बराबर है, जैकोबियन माइनस वाई एक्स के, और ये किसके बराबर है, जैकोबियन वाई माइनस एक्स के. इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, जैकोबियन की प्रॉपर्टीज को प्रूफ कर सकते हैं. बच्चों जैकोबियन की एक प्रॉपर्टी और बची है, पर उसको अपन कल पढ़ेंगे. ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जैकोबियन की लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर मतलब सॉरी ये वाला जो पार्ट है लगभग फिनिश होने वाला है, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल अपन स्टार्ट करेंगे. तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो सब पढ़ लें आप, कि डाइवर्जेंस क्या है और कर्ल क्या है और संकारक क्या है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मतलब एच वन एच टू एच थ्री के मान, लाप्लासन संकारक के मान, कार्तीय में गोले में बेले में, सारे आप लोगों की याद कर लीजिए ताकि न्यूमेरिकल करने में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, ओके गुड बाय.